विशाली, एक बार अदानी के स्टॉक्स पे आपका व्यू जाना चाहेंगे। कल हमने देखा जैसे एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट हुई और जाहिर तौर पर है कंपनी अपना रिन्यूएबल सोर्स में दो बड़े प्लेयर हैं इंडिया में जो रिन्यूएबल सोर्सेस को अग्रेसिवली लेना चाहते हैं। इट्स अ फ्यूचर एनर्जी, ये आप देख रहे हैं। कल दुनिया में सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी बनाने की दिशा में ये स्टेप अदानी ग्रुप की तरफ से, नई डील। अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक हमने देखा, प्री इंडिकेटिव टिक से ही तेज था और उसके बाद वीक बाजार में भी अदानी ग्रुप स्टॉक्स तेज थे, अदानी एंटरप्राइज तेज था। यहाँ पर अब क्या व्यू निकलना चाहिए अगर कोई पोजिशनली इस स्टॉक में इन्वेस्ट करे या एक ट्रेड ले, क्योंकि अदानी स्टॉक जब एक बार चलते हैं स्पेशली अदानी एंटरप्राइज तो कुछ दिन का तो मूव अच्छा दिखाते हैं। सो एक्चुअली अदानी एंटरप्राइज की खास करके बात करें तो इट इज टोटली अनटच्ड। इतने वोलेटाइल मार्केट में भी इस पे काफी स्टेडीनेस दिखाई है। सो कल के मूव, कल का स्विंग तो बहुत ही वोलेटाइल था, तो फॉर दिस स्टॉक टू परफॉर्म आई थिंक इट इज वेरी एसेंशियल दैट ये स्टॉक जिस तरह कल भी क्लोज आया है अबाउट 2160, तो अगर ये स्टॉक ये लेवल्स पे सस्टेन करता है तो इट्स इन ऑल लाइक्लीहुड दिस कैन रीटेस्ट द प्रीवियस हाई एंड दैट वुड बी अराउंड 2400। सो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे 2196 है, सो 2100 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा व्यू बुलिश रहेगा। ऑलराइट, 2600 के साथ बुलिश व्यू रहेगा। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। कल हमने फार्मा स्पेस में भी देखा एक डिफेंसिव बेट निकल कर आ रही थी एफएमसीजी फार्मा, क्योंकि बाजार वीक थे, लेकिन आज अगर बाउंस बैक देखने को मिलता है तो फार्मा स्पेस में ऑरो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला जैसे काउंटर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं कुछ आज? माय फेवरेट पिक विल बी सिप्ला, बिकॉज सिप्ला का ट्रेंड भी काफी ठीक है कंपेयर टू ऑल अदर फार्मा स्टॉक। सिप्ला में काफी स्टेडी मूव है, तो 940 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा टारगेट रहेगा 1000। दिस विल बी अ पोजिशनल ट्रेड, बट यस सिप्ला में मुझे एक बाइंग स्ट्रेटेजी बनती है। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कल काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, जैसे वरुण बेवरेजेस उसमें से एक शेयर था। आपने आज BEL के बारे में चर्चा की है, भारत फोर्ज है। विशाली, एक शेयर जरा आप और चेक कीजिएगा, भारत फोर्ज पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? भारत फोर्ज BEL आपकी लिस्ट है, जरा भारत फोर्ज भी आप चेक कीजिए। सो भारत फोर्ज फिलहाल कुछ ट्रेंड में क्लैरिटी नहीं है, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट अगर टेक्निकली हायर बॉटम बनाने का ये प्रयत्न कर रहा है तो 638 लेवल से एक आवश्यक लेवल है जो देखना चाहिए, बिकॉज अगर ये लेवल टूटता है तो मे बी रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस लो, बट तब तक मैं कहूंगी कि 638 के स्टॉप लॉस के साथ ये एक बाउंस बैक आ सकता है और ये जा सकता है 700-720। सो अब के लिए मेरी रेंज रहेगी 638 से 720 तक। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भारत फोर्ज पे स्टॉक है, ये एक व्यू ले रहे थे। हम फार्मा स्टॉक्स में से सिप्ला बता रही थी वैशाली, लेकिन खुश से सवाल पूछ रहे थे कि खुश आप